छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं में अध्याय 18 के अंतर्गत आज हम जानेंगे लघु व्यवसाय उद्यम, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, अर्थात लघु व्यवसाय उद्यम। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ऐसे हैं जो कि बहुत छोटी छोटी पूंजी से स्थापित होते हैं और एक समय पश्चात जो है लार्ज स्केल पर अपना विकास करते हुए जो है एक बड़ी कंपनी या एक बड़ी संस्था के रूप में पहुंच जाते हैं। तो हर एक व्यवसाय की जो शुरुआत होती है वह कहीं ना कहीं एक बहुत छोटे से स्तर से होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश जो है मुख्य रूप से क्या है, अधिकांश भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने के कारण जो इन क्षेत्रों में एक जो प्रमुख समस्या है वो क्या है, बेरोजगारी की। अब इस समस्या के समाधान के लिए जो है कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और लघु उद्योग इकाइयां जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है या ऐसे क्षेत्र जो कि अविकसित हैं, पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में जो है ये छोटे छोटे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय जो हैं रोजगार की दिशा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चूंकि ये लघु व्यवसाय जो है ये संप्रधान तकनीक के कारण इन उद्योगों द्वारा रोजगार का सृजन होता है। ये व्यापार व्यवसाय उद्योग जो हैं इनमें जो मुख्य रूप से तकनीक है वो कैसी है, श्रम प्रधान है। इससे क्या है कि क्षेत्रीय संतुलन जो है और राष्ट्रीय आय के समान वितरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षेत्रीय संतुलन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसे क्षेत्र जो दूसरे बड़े क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित हैं या जहाँ पर कम उद्योग धंधे स्थापित हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करके औद्योगिक दृष्टिकोण से उन क्षेत्रों के समकक्ष उनको खड़ा करना, तो ये क्षेत्रीय संतुलन है। और वहीं वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होना, उत्पादन की मात्रा बढ़ना, इससे जो है राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि संभावित होती है। तो लघु व्यवसाय जो है इनके प्रमुख लाभ या जो लक्षण हैं वो निम्न हैं। नंबर एक, तो सबसे पहले जैसे स्थापना में आसानी। तो जैसा कि हम जानते हैं लघु व्यापार व्यवसाय उद्योग जो है बहुत ही कम पूंजी में हम इन्हें स्थापित कर सकते हैं और तमाम जो कानूनी औपचारिकताएं हैं इसमें काफ़ी कुछ ढील रहती है। तो कम पूंजी में स्थापित हो जाते हैं और वैधानिक औपचारिकताएं जो है इसमें कम पूरी करनी पड़ती है। दूसरा जो है प्रबंध में सुविधा, अर्थात संचालन में सुविधा। चूंकि लघु व्यापार व्यवसाय उद्योग में जो है पूंजी स्वयं मालिक के द्वारा लगाई जाती है, तो यहाँ जो नियंत्रण है वो मालिक का स्वयं का रहता है। यहाँ पर जो है किसी पेशेवर प्रबंधक की या संचालक की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरी जो इसका लाभ या लक्षण है वो है प्रबंध में सुविधा, आसानी रहती है। फिर तीसरा, अधिक स्थायित्व। चूंकि ये स्वयं की पूंजी से स्थापित है अतः पूंजी का जो है इसमें बेहतर उपयोग वो करता है और इसके अलावा जो है विशेष वस्तुओं के उत्पादन हेतु विशेष उपयोगी है। छोटे पैमाने पर चूंकि जो वस्तुओं का उत्पादन होता है तो छोटे पैमाने पर उत्पादन जो है वो विशेष वस्तुओं का ही इनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, तो जो विशेष कुछ वस्तुएं हैं उन्हीं का उत्पादन जो इनके द्वारा किया जाता है। फिर उत्पादन में परिवर्तन, रुचि के कारण, फैशन के कारण या किसी अन्य कारणों से जो है उत्पादन में यदि हमें परिवर्तन करना होता है, कमी बेसी या वृद्धि करना होती है, तो यहाँ पर जो है उत्पादन में कमी एवं वृद्धि जो है हम आसानी से कर सकते हैं। फिर सीमित मांग, यहाँ जो है चूंकि मांग सीमित होती है इसलिए जो है उत्पादन जो है उसी मांग के अनुसार किया जाता है। तो लघु उद्योग में जो है जितनी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप जो है उनके द्वारा उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। फिर ये सहायक उद्योग के रूप में है। सहायक उद्योग के रूप में तात्पर्य यहाँ पर कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उन उद्योगों के लिए ये सहायक उद्योग के रूप में कार्य करते हैं। उनसे जुड़े हुए रॉ मटेरियल से जुड़े हुए और भी विभिन्न प्रकार के साजो सामान जो हैं जो सहायक के रूप में उनको आवश्यक होते हैं उनको तैयार करने का काम लघु उद्योग यहाँ पर करते हैं। तो ये लघु उद्योग जो है बड़े उद्योगों के लिए सहायक के रूप में काम करते हैं। पर क्षेत्रीय विकास में सहायक, लघु उद्योग जो है कम पूंजी पर किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। शासन के द्वारा जो है विभिन्न सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं जो है शासन के द्वारा बनाई गई हैं, दी गई हैं, इस स्थिति में जो है
वहां पर जो है इन उद्योगों की स्थापना की जा सकती है और उन क्षेत्रों का भी विकास किया जाता है, तो क्षेत्रीय विकास में ये सहायक है। तो लघु व्यवसाय उद्यम के जो लाभ या जो उसके महत्व थे वो हमने यहाँ देखे। अब हम यहाँ देखते हैं लघु पैमाने के उद्देश्य, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको हम कहते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग। अब वर्तमान में जो है लघु पैमाने के उद्योगों को जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। इसमें लघु उद्योगों की श्रेणी प्लांट एवं विनिर्माण में विनियोग मूल्य एवं सेवा क्षेत्र में विनियोग के अनुसार जो है निर्धारित होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है तीन रूपों में यहाँ पर बांटा गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्योग के रूप में। अब MSME अधिनियम 2006 के अनुसार जो परिभाषा है वो ये है, वर्तमान में वे सभी औद्योगिक इकाइयां लघु उद्योग के अंतर्गत आती हैं जिनके प्लांट एवं मशीनरी में निवेशित पूंजी की सीमा जो है 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है। अर्थात लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वे उद्यम प्रयास या उद्योग सम्मिलित हैं जिनकी प्लांट और मशीनरी में निवेशित पूंजी की जो सीमा है वो 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है। यहाँ जो है 25 लाख रुपए वाले उद्यम जो है वो सूक्ष्म उद्यम एवं 5 से 10 करोड़ रुपए तक वाले जो है वो मध्यम उद्यम कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं लघु उद्योग क्या है। अब यहाँ हम देखें कि एक शब्द हम जो सुनते हैं हमेशा कि कुटीर उद्योग, तो लघु एवं कुटीर उद्योग जिनको एक साथ एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु कुटीर उद्योग जो है वास्तव में ऐसे उद्योग हैं जिनमें उत्पादन जो है मशीन के बजाय हाथ से यहाँ किया जाता है। तो किंतु कुटीर उद्योग जो है प्रायः ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। इनकी निवेशित पूंजी एवं तकनीक का जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है, किंतु ये रोजगार उपलब्ध कराने का प्रमुख साधन है। जैसे एक घर परिवार के सदस्यों के द्वारा जो हम देखते हैं उनके परंपरागत जो उद्योग है उन्हीं को उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा संचालित किया जाता है, तो वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और ये सामान्य तौर पर जो है परिवार के मुखिया या सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है। तो यहाँ लघु उद्योग जो हैं वो कहलाते हैं जिनमें पूंजी निवेश की सीमा जो है 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है और इसमें उत्पादन जो है लघु उद्योग में मशीनों के द्वारा होता है। वहीं जो कुटीर उद्योग हैं वो भी लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं, ये मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ही ज़्यादातर स्थापित होते हैं और एक परिवार के सदस्यों के द्वारा या परिवार के मुखिया के द्वारा जो है ये इन उद्योगों का संचालन किया जाता है। तो ये लघु और कुटीर उद्योग। इसके बाद हम देखें कि भारत में लघु उद्योगों का जो महत्व है, तो भारत में औद्योगिक विकास की दिशा में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के उत्पादन में लघु उद्योगों का 49% हिस्सेदारी है, अर्थात जो टोटल उत्पादन देश में हो रहा है उसमें 49% जो है वो लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है लघु कुटीर उद्योगों का जो महत्व है वो निम्न है। नंबर एक, तो रोजगार का सृजन करता है, कम पूंजी वाले क्षेत्र या ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो है ये वहाँ पर लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार का वहाँ सृजन होता है। फिर स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जो भी स्थानीय वहाँ के लोकल साधन है, समय पूंजी है, कच्चा माल है, इनका जो है बेहतर से बेहतर उसी स्थान पर उनका उपयोग किया जा सकता है। तो स्थानीय संसाधनों का उपयोग, फिर राष्ट्रीय आय का समान वितरण, यहाँ पर सभी को जो है रोजगार, ऐसे अविकसित या पिछड़े क्षेत्रों में भी यदि उद्योगों की स्थापना होती है तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय का जो है समान वितरण यहाँ पर बनता है। फिर उद्योगों का विकेंद्रीकरण, बड़े बड़े शहरों में जहाँ देखते हैं हम कि सारे उद्योग जो हैं वहीं सीमित होकर रह गए, जैसे बम्बई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो भी उद्योग हैं वो वहीं तक सीमित होकर रह गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आधारभूत संरचना जो है, सड़क, पानी, बिजली, ईंधन, ये सारी सुविधाएं जो हैं वहाँ सहज उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी क्षेत्र ऐसे जो पिछड़े हुए हैं
या जो क्षेत्रीय विकास की दौड़ में पीछे हैं, वहाँ पर जो है उद्योगों की स्थापना करने के लिए उनके द्वारा जो है सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, ताकि उद्योगों का जो है विकेंद्रीकरण हो सके, देश के हर हिस्से में उद्योगों की स्थापना हो सके। फिर अर्थव्यवस्था पर शीघ्र प्रभाव, चूँकि लघु उद्योग के द्वारा जो भी उत्पादन प्रक्रिया होती है बहुत आसान होती है और ये बहुत ही शीघ्रता के साथ उत्पादन करने लगते हैं, तो इनके द्वारा जो है देश की अर्थव्यवस्था पर तेजी से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो भारत में हमारे देश में लघु उद्योगों का जो महत्व है वो हमने देखा। अब हमारे सामने एक समस्या आती है, लघु उद्योगों की जो समस्या है ये मुख्य रूप से है कि जैसे सबसे पहली समस्या है लघु उद्योगों के पोषण के लिए जो वित्त की समस्या। अब यहाँ पर लघु उद्योगों के पोषण के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए, वो सही ढंग से वो अपने व्यवसाय उद्योग को संचालित कर सके, इसके लिए सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो आती है वो वित्त की समस्या। चूँकि यहाँ पर जो है मालिक के द्वारा स्वयं लघु उद्योग या व्यवसाय का संचालन किया जाता है, तो यहाँ पर स्थायी परिसंपत्तियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसके कारण जमानत या वारंटी गारंटी जो है उसके कारण जो है ऋण प्राप्त करने की इनकी हमेशा समस्या बनी रहती है। कोई भी बैंक या विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ जो हैं आसानी से इनको ऋण उपलब्ध नहीं कराती। फिर दूसरा जो है कच्चे माल की समस्या, बड़े उद्योग जो हैं पूर्व से ही कच्चे माल को हस्तगत कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में छोटे और लघु उद्योगों को जो है कच्चा माल समय पर प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे उनकी उत्पादन प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। फिर उत्पादन तकनीक की समस्या, चूँकि पुरानी तकनीक से उत्पादन करते हैं, पुरानी मशीनरी से उत्पादन करते हैं, ऐसी स्थिति में जो है उत्पादन बहुत बेहतर क्वालिटी का नहीं हो पाता, जिससे जो है गुणवत्ता की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर पुरानी तकनीक के कारण, पुरानी मशीनरी होने के कारण जो है बेहतर उत्पादन ये नहीं कर पाते, वहीं श्रम जो है इन्हें कुशल श्रम प्राप्त नहीं होता, इस कारण भी उत्पादन की यहाँ समस्या और गुणवत्ता की समस्या बनी रहती है। फिर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतियोगिता, यहाँ पर जो है बड़े उद्योगों के द्वारा जो है कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन किया जाता है, ऐसी स्थिति में उनकी कीमतें जो हैं वो बहुत कम होती हैं। वहीं पर लघु उद्योग के द्वारा जो है सीमित मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिससे उनकी लागत क्या होती है, बढ़ जाती है, और लागत बढ़ जाने से क्या है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योगों का, लघु उद्योगों का टिक पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो ये प्रतिस्पर्धा का सामना करना। फिर दोषपूर्ण श्रम एवं कराधान कानून, जो भी सरकार के द्वारा उद्योग संबंधी जो भी नियम कानून बनाए गए, यहाँ पर जो है बड़े उद्योगों के साथ जो कानून, जैसे श्रम कानून या पर्यावरण से संबंधित कानून या जो भी कानून उत्पादन से संबंधित, औद्योगिक से संबंधित बनाए गए, वही कानून जो है प्रॉपरली उसी रूप में लघु उद्योगों के ऊपर भी यहाँ पर फॉलोअप किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये छोटे उद्योग होने के कारण जो है ये दोषपूर्ण श्रम और कराधान कानून के कारण जो है बेहतर ढंग से नहीं पनप पाते। तो ये श्रम उद्योग की जो है यहाँ पर लघु उद्योगों की समस्या है। अब भारत सरकार के द्वारा जो है लघु उद्योगों के विकास व संवर्धन के लिए जो है कौन कौन सी नीतियाँ की गई, जिससे कि जो है लघु उद्योगों का प्रॉपर पोषण हो सके और लघु उद्योग जो है बेहतर ढंग से स्थापित हो सके। इसके लिए जो है शासन के द्वारा विशेष संस्थाओं की स्थापना की गई। इन विशेष संस्थाओं में जो है कुटीर एवं लघु उद्योग निदेशालय, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1952 में, और अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग 1953 व राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955 की स्थापना की गई। ये जो भी संस्थाएं शासन के द्वारा बनाएंगे, इनका मुख्य ध्येय यह था कि लघु उद्योगों के बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए, उनके विकास करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है ये शासन के द्वारा जो है विभिन्न बोर्डों की स्थापना की गई। इनमें जो प्रमुख है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का कार्य क्या था, लघु उद्योगों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीनें उपलब्ध कराना, अर्थात ऐसे छोटे उद्यमी जो कि डायरेक्ट बड़े प्लांट या बड़ी मशीनरी नहीं खरीद पाते, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो है उनको किराए के आधार पर वो प्लांट, वो मशीनरी, वो संसाधन जो है इनको उपलब्ध कराए जाते हैं, और उनसे जो है
हर निश्चित तिथि पर एक उपयोग करने के बदले, उस प्लांट मशीनरी का उपयोग करने के बदले जो है उनसे किराया प्राप्त किया जाता है, और एक निश्चित समय के बाद जब वो किराया पूर्ण हो जाता है, जो किराया जो उसने चुकाया वो उस प्लांट मशीनरी की कीमत के बराबर हो जाता है, तो वो फ्री होल्ड हो जाती है और वो जो संपत्ति है वो लघु उद्योग के स्वामी की हो जाती है। तो किराए क्रय पद्धति के आधार पर मशीनें उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, फिर सरकारी विभाग व कार्यालयों में खरीदी कार्यक्रम में लघु उद्योग के माल को प्रोत्साहन प्रदान करना, अर्थात शासन के द्वारा, शासन के अपने कार्यालयों में, अपनी संस्थाओं में जो भी खरीदी की जानी है, उदाहरण के लिए यदि डेस्क बेंच या और भी जो भी आवश्यक सामग्रियां लगती हैं सरकारी कार्यालय में, वहाँ की से जो है खरीदी वो सिर्फ लघु उद्योग के माध्यम से खरीदी जाएगी। फिर दुर्लभ एवं आयातित वस्तुओं का उन्हें वितरण करना, ऐसी उत्पादन से जुड़ी हुई सामग्री साधन जो उन्हें सीधे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं वो उन्हें उपलब्ध कराना, फिर परामर्श सेवाओं का निरीक्षण करना, समय समय पर उन्हें परामर्श प्रदान करना उद्योग से संबंधित और उनका लगातार निरीक्षण करना, फिर घरेलू तथा विदेशी बाजारों में उनकी वस्तुओं की बिक्री करना। तो ये जो है यहाँ पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जो कि लघु उद्योग के विकास संवर्धन के लिए स्थापित एक संस्था है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उत्पादन तकनीक व उपकरणों में सुधार, राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य उद्योग सहायता अधिनियम के अंतर्गत इन उद्योगों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं का विस्तार किया गया, अर्थात शासन के द्वारा जो है इन उद्योगों को अलग से ऋण सुविधाएं प्रदान की गई। इसके लिए शासन के द्वारा जो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, राज्य वित्त निगम, अनुसूचित बैंक, औद्योगिक विकास बैंक एवं लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई, जो कि आवश्यकता अनुसार जो है नव उद्यमियों को जो है लघु उद्योगों को यहाँ पर आसानी से ऋण इनके द्वारा उपलब्ध हो सके। फिर शासन के द्वारा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई, श्रम प्रधान तकनीक यहाँ पर होने के कारण जो है शासन के द्वारा जो है ऐसी बस्तियों की स्थापना की गई जहाँ पर अधिक मात्रा में जिस क्षेत्र में वहाँ पर श्रमिक हैं। तो लघु उद्योगों के विकास की दिशा में जो है औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं, बिजली, पानी, ईंधन, सड़क आदि की सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे औद्योगिक बस्तियों के कई लघु उद्योग एक साथ चलाए जा सके, अर्थात ऐसे क्षेत्रों को वहाँ पर विकास किया गया जहाँ पर कि बेहतर ढंग से हम लघु उद्योग को स्थापित कर सकें और वहाँ पर जो है श्रमिकों को रहने के लिए साधन प्राप्त हो सकें। तो सर्वप्रथम जो 1956 में दिल्ली के पास जो है ओखला औद्योगिक बस्ती की स्थापना की गई थी, तो शासन के द्वारा जो है यहाँ पर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक बस्तियों की स्थापना भी की गई। फिर बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाव, यहाँ पर जो है कुछ वस्तुओं का उत्पादन जो है वो लघु उद्योग के लिए सुरक्षित रखा गया, अर्थात यहाँ पर बड़े उद्योगों के द्वारा जो है वो उत्पादन नहीं किया जाएगा, वो उत्पादन सिर्फ लघु उद्योगों के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो है इनको अतिरिक्त छूट, बड़े उद्योगों की उत्पादन क्षमता को सीमित रखना, वर्तमान में जो है 20 वस्तुओं का उत्पादन कार्य जो है वह लघु उद्योग के लिए शासन ने सुरक्षित कर रखा है, अर्थात 20 प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन सिर्फ लघु उद्योग ही करेगा और इसके अलावा बड़े उद्योगों के द्वारा उत्पादन उनसे नहीं किया जाएगा। तो बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से यहाँ पर इनको बचाव होता है। फिर अंतिम यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र, 1977 में औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की योजना प्रस्तुत की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था जिले में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के प्रयास करना, ग्रामीण उद्योग व हस्तकला का विकास करना, नए उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना तथा औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने हेतु एक ही स्थान पर औपचारिकताओं को पूर्ण करना आदि थे। तो यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो है हर जिले में एक उद्योग केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया वर्ष 1977 में। जिले में यहाँ पर जो है औद्योगिक विकास में तेजी लाने को, उस जिले में जो है लघु उद्योगों की तेजी से स्थापना करना, उस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास करना जो है जिला उद्योग केंद्र का मुख्य ध्येय था। इसके लिए साथ ही जो ग्रामीण उद्योग व हस्तकला वाले क्षेत्र हैं
जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हस्तकला वाले या ऐसे उद्योग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से पनप सकते हैं, उनके लिए जो है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही नए उद्यमियों को विभिन्न सरकारी जो योजनाएं उद्योग स्थापना के संबंध में उनका लाभ उन्हें प्रदान करना। और यदि कोई लघु उद्यमी जो है अपना लघु उद्यम स्थापित करना चाहता है तो उससे जुड़ी हुई तमाम कानूनी औपचारिकताएं जो हैं वो समस्त औपचारिकताओं को एक ही स्थान से पूर्ण किया जा सके, जिसको एकल खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। तो जिला उद्योग केंद्र के यहाँ पर जो कार्य हैं, प्रमुख रूप से जिले में औद्योगिकीकरण को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना, अर्थात उस जिले में जो है लघु उद्योग स्थापना पर यहाँ पर प्रमुख रूप से बल देना, फिर कच्चे माल, वित्त, मशीनरी व उपकरणों की व्यवस्था करना। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जो है लघु उद्यमियों को कच्चा माल, वित्त, मशीन व विभिन्न यंत्र मशीनरियों की व्यवस्था कराना, फिर कुशल व अर्धकुशल श्रम शक्ति का मूल्यांकन करना, और आधारिक संरचना जैसे किस्म नियंत्रण, अनुसंधान, विकास, परिवहन, गोदाम आदि सुविधाओं का मूल्यांकन यहाँ पर करना, और अंतिम विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदान व सहायता जो उद्योग संवर्धन के लिए आवश्यक है की जानकारी नए उद्यमियों को प्रदान करना। तो यहाँ पर जो है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जहाँ पर हम देखते हैं कि जिले में औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए, जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए जो है इनके द्वारा बेहतर प्रयास किए जाते हैं, वहीं कच्चा माल उपलब्ध कराना, पूंजी उपलब्ध कराना, मशीनें और विभिन्न यंत्र प्लांट वगैरह ने उपलब्ध करना, वहीं कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को जो है उनको मूल्यांकित करके उनको उपलब्ध कराना, फिर किस्म पर नियंत्रण रखना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो है उद्योग संवर्धन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, मार्गदर्शन सुझाव है, वो नए उद्यमियों को प्रदान करना, ये जिला उद्योग केंद्र के कार्य हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न, लघु व्यवसाय से आशय उसके महत्व को समझाइए। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर लघु पैमाने के उद्योग से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। फिर भारत में लघु उद्योगों का क्या महत्व है उसको समझाइए। फिर लघु उद्योगों की जो है प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर यहाँ प्रकाश डालिए। और लघु पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सरकारी नीतियों पर जो है प्रकाश डालिए। साथ ही राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं जिला उद्योग केंद्र के कार्यों को बताइए।